जैसा कि आज का जो हमारा विषय चल रहा है, पत्रकारिता के विविध आयाम, संपादन के सिद्धांत तक पढ़ चुके थे हम। संपादन के सिद्धांत क्या थे, यानी कि जो कुछ अखबार में छापा जाता है उसके जो प्रिंसिपल है, अंग्रेजी में सिद्धांत को प्रिंसिपल बोलते हैं, ये कौन कौन से होने चाहिए, यानी कि अखबार में जो कुछ छापना है उस छापने से पहले क्या क्या चीजें उसके अंदर देखी जानी जरूरी है, ये बातें हैं। सबसे पहले तथ्यों की शुद्धता, जो भी जिस भी बात पे जो कुछ भी घटना है वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, उसके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा वस्तुप्रदता, तीसरा निष्पक्षता, चौथा संतुलन और पांचवा स्रोत। आइए अभी इन सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा करें और उनका अर्थ समझने की कोशिश करें। तथ्यों की शुद्धता या तथ्य प्रकता, ये एक्यूरिक होते क्या है? सबसे पहले एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। यथार्थ क्या होता है? जो जैसा देखा गया है उसको उसी रूप में प्रकट कर देना, एज इट इज। इस तरह एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया। सच यह है कि मानव यथार्थ की नहीं, यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। छवियां क्या होती है? भूतकाल जो छवि होती है, अतीत से रिलेटेड जो कुछ भी यादें हैं, किसी भी घटना के बारे में हमें जो भी जानकारियां प्राप्त होती है उसी के अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं और यही छवि हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है। एक तरह से हम संचार माध्यमों द्वारा सृजित छवियों की दुनिया में रहते हैं। सृजित क्या होता है? जिसका निर्माण किया जाए। दरअसल यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंब करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो उसका संपूर्णता में प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन समाचार में हम किसी भी यथार्थ को अत्यंत सीमित चयनित सूचना और तथ्यों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ देते हैं। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, सारा जो निचोड़ है इन्हीं दो पंक्तियों में। किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचना और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ते हैं। चुनौती यही है कि ये सूचनाएं और तथ्य सबसे अहम हो और संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हो। तथ्य बिल्कुल स्टिक होने चाहिए और सही होने चाहिए, उन्हें थोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये लाइन भी अंडरलाइन कीजिए। जो भी बातें छापी जानी है उनको न तो थोड़ा मरोड़ा जाए, उनमें रियलिटी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, ठीक है। कई बार काल्पनिक बातें वैसे छाप देते, लेकिन काल्पनिक बातें हम छाप नहीं सकते, काल्पनिक घटनाएं न्यूज़पेपर में छप नहीं सकती, उस पर केस दर्ज हो सकता है। जो कोई भी न्यूज़पेपर इस तरह से काल्पनिक बातें या कोई भी काल्पनिक घटनाएं छापेगा तो उस पर केस दर्ज हो सकता है। चलिए आगे। जैसे छह अंधों और एक हाथी की कहानी को ही ले, वे तथ्य या सूचनाएं जो हरण अंधे ने हाथी को छूकर प्राप्त किए अपने आप में सच थे। हाथी का कान पंखे जैसा होता है, रियलिटी है, हकीकत होगी ना। हाथी का कान कैसे होता है? पंखे जैसा। लेकिन हाथी तो पंखे जैसा नहीं होता। इस तरह हम कह सकते हैं कि तथ्य अपने आप में तो सत्य होते हैं, लेकिन अगर इसी संदर्भ में उनका प्रयोग किया जा रहा हो तो उनके पूरे विषय के संदर्भ में प्रतिनिधित्व होना या कई तथ्यों को मिलाकर देखना आवश्यक है। उस स्थिति में तथ्य यथार्थ
की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। यह एग्जाम्पल देख लीजिए, तथ्य बनाम सत्य, छह अंधे और एक हाथी। आपने छह अंधों और एक हाथी की कहानी सुनी होगी। एक भारतीय लोक कथा तथ्यों और सच्चाई के बीच के फर्क को काफी अच्छे ढंग से उजागर करते हैं। छह अंधों में बहस छिड़ गई कि हाथी कैसा होता, और फिर उन्होंने इस बहस को खत्म करने के लिए इस हाथी को शुक्रिया तय करने का निश्चय किया कि हाथी कैसा होता। एक अंधे ने हाथी के पेट को छुआ और कहा, यह दीवार की तरह है। दूसरे ने उसके दांत को छुआ और कहा, नहीं, यह तलवार की तरह है। तीसरे के हाथ उसकी सूंड आई और उसने कहा, यह तो सांप की तरह है। चौथे ने उसका पैर छुआ और चिल्ला, तुम पागल हो, यह पेड़ की तरह है। पांचवें के हाथ हाथी का कान आया और उसने कहा, तुम सब गलत हो, यह पंखे की तरह। छठे अंधे ने उसकी पूंछ पकड़ी और बोला, बेवकूफो, हाथी दीवार, तलवार, सांप, पेड़, पंखे में से किसी भी तरह का नहीं होता, यह तो एक रस्सी की तरह। हाथी तो चला गया और छह अंधे आपस में लड़ते रहे। हरेक अपने तथ्यों को आधार पर तथ्यों के आधार पर हाथी की अपनी सच्ची छवि पर अड़िग। आगे देखिए, वस्तु प्रकटता क्या होती है। वस्तु प्रकटता को भी तथ्य प्रकटता से आंकना आवश्यक है। वस्तु प्रकटता और तथ्य प्रकटता के बीच काफी समानता भी है, लेकिन दोनों के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। एक जैसे होते हुए भी ये दोनों अलग विचार है। तथ्य प्रकटता का संबंध जहाँ अधिकाधिक तथ्यों से, वही वस्तु प्रकटता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता। किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी हुई छवियां समाचार मूल्यांकन की हमारी अक्षमता को प्रभावित करती है, और हम इस यथार्थ को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। हमारे मस्तिष्क में अनेक मौकों पर इस तरह की छवियां वास्तविक भी हो सकती है और वास्तविकता से दूर भी हो सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि वस्तु प्रकटता की अवधारणा का संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से अधिक है। हमें ये मूल्य हमारे सामाजिक माहौल से मिलते हैं। बचपन से ही हम स्कूल में, घर में, सड़क पर चलते हैं, हर कदम, हर पल सूचनाएं प्राप्त करते हैं, और दुनिया भर के स्थानों, लोगों, संस्कृतियों आदि सैकड़ों विषयों के बारे में अपनी एक धारणा या छवि बना लेते हैं। वस्तु प्रकटता का तकाजा यही है कि एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आंकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित न होने दे। वैसे ही यह सच है कि यह दुनिया हमें सतरंगी और विविध रहेगी, इसे देखने के दृष्टिकोण भी अनेक होंगे, इसलिए कोई भी समाचार सबके लिए एक साथ वस्तुप्रक नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी समाचार सब के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। एक ही समाचार किसी के लिए वस्तुप्रक हो सकता है और किसी के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है, लेकिन एक पत्रकार को जहां तक संभव हो अपने लेखन में वस्तुप्रकता का ध्यान रखना जरूरी है, ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है स्रोत और पत्रकारिता से रिलेटेड, पत्रकारिता और स्रोत के आपसी संबंधों में किसी भी समाज में पत्रकारिता का स्वरूप निर्धारित होता है। आमतौर पर समाचारों के विविध और बहु स्रोत होते हैं। मीडिया में विविधता के लिए आवश्यक है कि समाचार के स्रोत विविध हो। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया में विविधता को लेकर अनेक सवाल उठाए गए हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। देखिए, वस्तु प्रकटता होती क्या है ये समझने की कोशिश करना, यानी कि जो कुछ भी एंकर, न्यूज एंकर, जो कुछ भी घटना लोगों को दिखाने जा रहा है, उसमें उसकी दृश्य से रिलेटेड, उसके विचारों से रिलेटेड, ये सभी कुछ वो क्या करता है, प्लान करता है, ठीक है। निष्पक्षता, फेयरनेस क्या होती है। एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसकी निष्पक्षता से कि उसके समाचार संगठन की साख बनती है। यह साख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाता है। पत्रकारिता
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसके राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका, लेकिन निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। इसलिए पत्रकारिता सही और गलत, अन्याय और न्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकती। तटस्थ के अत्यंत दरकिनार कर देना, बल्कि वह निष्पक्ष होते हुए भी सही और न्याय के साथ होती है। यानी कि फेयरनेस से अभिप्राय यही है कि जैसे मैंने उस दिन भी आपको सुधीर चौधरी जी का एग्जाम्पल बताया था कि सुधीर चौधरी जी जब डीएनए करते हैं इस पे जी न्यूज चैनल पे, वो क्या करते हैं, ज्यादातर बीजेपी का पक्ष लेते हैं और कांग्रेस की काट करते हैं, कांग्रेस की काट करते हैं। ये इस तरह से कुछ जो न्यूज चैनल होते हैं या न्यूज पेपर वाले होते हैं वो एक पार्टी का एक नेता का समर्थन करते हैं और बाकी पार्टी या नेता का क्या करते हैं, वो उसका समर्थन नहीं करते, उसका फेयर में नहीं होते। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी का भी कोई पक्ष न ले, चाहे वो उसका उस पार्टी का या उस नेता का कितना ही जनार्दन क्यों ना हो। ठीक है भाई, इस तरह से जैसे अब मान लीजिए गांव में है, गांव में कोई घटना घट गई या शहर में कोई घटना घट गई, पंचायत को बुला लिया और पंचायत में मान लीजिए सरपंच साहब है और उस घटना में सरपंच साहब के भतीजा या रिश्तेदार कोई भी है, उस पर वो केस है, तो उस सरपंच को क्या करना चाहिए, उस सरपंच को ये न सोच के भाई भतीजावाद या रिश्तेदारी ये सभी कुछ न सोच के उसको क्या करना चाहिए, उसे अपनी मतलब बिना पक्ष लिए उसे सही डिसीजन लेना चाहिए, सही निर्णय लेना चाहिए। बुलंदी फिल्म देखी आपने, बुलंदी, उसमें बुलंदी फिल्म में अनिल कपूर होता है, डबल रोल होता है अनिल कपूर का, और वो जो अनिल कपूर होता है वो क्या करता है, गांव के फैसले सुनाता है, लेकिन एक बार उन्हीं के भाई अनिल कपूर पर ही, यानी कि जो डबल रोल में छोटे वाला जो अनिल कपूर होता है उन पर एक आरोप लगा देती है टीचर, तो वो बिना किसी पक्ष लिए क्या करता है, वो फैसला सुनाता है, उसे तड़ी पार की सजा दे देते हैं अनिल कपूर को। ठीक है, फिल्मों में देखते नहीं हम इस तरह से। तो ये इस प्रकार से ये जो घटनाएं होती है आम जनजीवन में ये मीडिया के अंदर भी लागू होती है। ठीक है, आगे चलिए। जब हम समाचारों में निष्पक्षता की बात करते हैं तो इसमें न्याय संगत होने का तत्व अधिक अहम होता है। आज मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, एक झटके में वह किसी की इज्जत पर बट्टा लगाने की ताकत रखती है, इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते हो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी को अनजाने में ही बिना सुनवाई के फांसी पर तो नहीं लटकाया जा रहा। अब देखिए, आप सबसे बड़ा इस टाइम कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी न्यूज पेपर, ये दो खबरें तो इस टाइम पूरी जोरों शोरों पे चल रही है पिछले 1.5-2 महीने से। एक तो सुशांत केस, रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड, और दूसरा ये COVID-19 का। पूरे न्यूज़पेपर में यही दो खबर मिलती है आपको। ठीक है, तो इस तरह से क्या होना चाहिए, जो मीडिया होती है मीडिया को बिल्कुल ही साफ स्पष्ट शब्दों में इस तरह से किसी का फेयर न लेकर जो भी खबर छापनी है, जो भी घटना घटित हुई है उसके बारे में जो कुछ भी लोगों को बताना है वो बिना पक्ष के ही बताए। ठीक है, और लेकिन आजकल की जो हमारी मीडिया है, इंडिया की जो मीडिया है ना, इंडिया की मीडिया बिक चुकी है, बिकाऊ मीडिया है इंडिया की, चाहे वो कोई भी न्यूज चैनल हो चाहे कोई भी न्यूज पेपर वाला हो, सिर्फ किताबों में ये लिखा गया है कि जो ये क्या नाम है मीडिया है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक घटना को मान लीजिए आज बीजेपी पार्टी से कोई
वरिष्ठ नेता अमित शाह या फिर कोई अन्य कोई कुछ गलत काम कर देते हैं तो उस खबर को दबाने के लिए करोड़ों में 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ रुपए फेंक देते हैं, इनको दिए जाते हैं। और वो क्या करेंगे, उस घटना को अगर दिखाएंगे तो उसमें रियलिटी नहीं दिखाएंगे, या तो दिखाएंगे न्यूज के बारे में उस घटना को उजागर ही नहीं करेंगे। अगर उजागर करेंगे तो क्या होगा, उसे उस घटना को उस घटना में रियलिटी नहीं बताएंगे, बनावटी पन के तौर पे उस घटना को दिखाया जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलिए। संतुलन, बैलेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बैलेंस क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। निष्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन है। आमतौर पर मीडिया पर आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, यानी वह किसी एक पक्ष की ओर झुका है। ये बात मैंने आपको अभी बताई थी, यानी कि बैलेंस होना चाहिए, किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए डिबेट होती है, डिबेट में क्या होता है, वो जो एंकर होता है न्यूज एंकर, वो एक ही पार्टी के बारे में चर्चा परिचर्चा करता रहता है, उसी की तारीफ करता रहता है, एक पार्टी काट करता रहता है। लेकिन वहां पे आम जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता भी होता है, बीजेपी से भी होता है, कांग्रेस से भी होता है, एनएलओ से भी होता है, सभी होते हैं। और इस तरह से वो क्या करते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं। इस तरह से वो जो राय रखी जाती है वो यानी कि उसको एक टाइम दिया जाता है, भाई आप एक सेकंड में और एक मिनट में आप जो कुछ भी आपको अपनी बात रखनी है, आप एक मिनट या दो मिनट के लिए आपके टाइम, आपके लिए टाइम पीरियड है। इस तरह से न्यूज में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, बैलेंस। आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता वही पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हो और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो। यानी कि ये मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया ही है, आपस में टकराव न होने से बचने के लिए जो न्यूज एंकर होता है उसको क्या करना होता है, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जो डिबेट की जाती है उसमें सभी को चांस दिया जाता है। अब क्या होता है, आपने कई बार देखा भी होगा, एक पार्टी का नेता बोलता रहता है, दूसरा हाथ खड़े करता है, वो बोलता है कि मुझे भी चांस दीजिए, मैंने भी अपनी राय रखनी है। इस तरह से ना होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। मान लीजिए आपको डिबेट आधे घंटे की है तो 5 या 6 नेता जुड़े हुए हैं आपके चैनल के साथ, तो वो टाइम पीरियड उन्हें बांट दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। उस स्थिति में संतुलन का तकाजा यही है कि सभी संबंध पक्षों की बात समाचार में अपने अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाए। समाचार में संतुलन का महत्व तब कहीं अधिक हो जाता है जब किसी पर किसी तरह के आरोप लगाए गए हो और लगाए गए हो या इससे मिलती जुलती कोई स्थिति हो। उस स्थिति में हर पक्ष की बात समाचार में आनी चाहिए, अन्यथा एक तरफा चरित्र हनन का हथियार बन सकता है। व्यक्तिगत किस्म के आरोपों में आरोपित व्यक्ति के पक्ष को भी स्थान मिलना चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल एक बताऊं मैं आपको, अभी भारत और चीन का जो सीमा विवाद है, ये जो न्यूज पेपर वाले है ना, ये पता क्या करते हैं या न्यूज चैनल वाले, अगर भारतीयों ने चीनी सैनिकों को मारा है या पकड़ा है जो कुछ है, उस घटना को बढ़ा चढ़ा के पहले पेज पर पहले न्यूज के तौर पर दिखाएंगे। अगर चीन ने कोई घटना घटित की है, किसी तरह से भारतीय सैनिक को मार गिराया है या फिर कुछ भी है, तो उस घटना को ये अच्छे से दिखाएंगे नहीं। अभी भी भारत और चीन की जो सीमा विवाद है, ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता को बेवकूफ बनाने की बात की जा रही है, रियलिटी में देखे तो, हकीकत में देखे तो ये सिर्फ आम जनता को ये पागल बना रहे हैं, ये बीजेपी वाले या जो भी सत्ता में बैठे हैं।
चलिए आगे चलिए। व्यक्तिगत किस्म के आरोपों में आरोपित व्यक्ति के पक्ष को भी स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यह स्थिति तभी संभव हो सकती है जब आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हो और आरोपों के पक्ष में पक्के सबूत नहीं हो या उनका सही साबित होना काफी संदिग्ध है। लेकिन घोषित अपराधियों या गंभीर अपराधों के आरोपियों को संतुलन के नाम पर सफाई देने का अवसर देने की जरूरत नहीं है। संतुलन के नाम पर समाचार मीडिया इस तरह के तत्वों का मंच नहीं बन सकता। अब एक करंट का एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने दामिनी फिल्म देखी होगी, दामिनी, और दामिनी में वो जो जिसका नाम दामिनी है, हीरोइन है, उसी को जो ये वकील साहब है या फिर अन्य है मीडिया, वो उसी को पागल घोषित कर देते हैं। जबकि वो क्या करती है, सच्चाई के लिए लड़ती है। वो क्या करती है, सच्चाई के लिए। आगे देखिए, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। इधर ये जब पत्रकार की बेसाखी क्या होती है, पत्रकार की बेसाखी, ये भी इम्पोर्टेंट है। संदेह करना पत्रकार का गुण है, उसे चीजों की तह तक जाने की आदत डालनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो संदेह और सवाल किसी भी स्थिति में बदलाव के शुरुआती कदम है। अगर संदेह में हो और सवाल न उठाए जाए तो परिवर्तन कठिन हो जाएगा। इस प्रयास में यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि इसे पत्रकारिता के मूल्य न प्रभावित हो। इसके लिए पत्रकार को चार बेसाखियों का सहारा लेने से नहीं हिचकना चाहिए। ये बेसाखियां संकट या दुविधा के समय उसके काम आती है। चार बेसाखी कौन कौन सी होती है पत्रकार की? पहले बेसाखी अपने सच्चाई प्रकट करना, रियलिटी बताना, सच्चाई। पहले बेसाखी क्या है, सच्चाई। विश्वसनीयता इसी पर टिकी होती है। लिखने से पहले तथ्यों की पूरी जांच और उसकी पुष्टि करना अनिवार्य है। उसे बयानों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाचारों में अफवाहों को जगह न मिले, यानी कि जो कुछ भी छापना है उसमें रियलिटी हो, जो कुछ घटित हुआ वही बताए, उसमें काल्पनिकता या उस न्यूज को, उस घटना को तोड़े मरोड़े ना, ठीक है, अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ना डाले, अपनी तरफ से कोई भी खबर ना छापे, ठीक है। दूसरा है, दूसरी बेसाखी होती है संतुलन। सच्चाई की कसौटी पर कसे जाने के बावजूद यह अनिवार्य है कि तथ्यों, बयानों और आंकड़ों के इस्तेमाल में संतुलन रखा जाए। विवादास्पद मुद्दों में दोनों पक्षों की बात सामने रखना जरूरी है। एक पक्षीय समाचार असंतुलित होगा, यानी कि विवाद के जो मुद्दे होते हैं उसमें दोनों की राय ली जानी चाहिए और अंत में अपना डिसीजन रखना चाहिए। तीसरी बेसाखी होती है निष्पक्षता। किसी पत्रकार के लिए पक्षपात अपशब्द की तरह है। जो पत्रकार अपने समाचारों में निष्पक्ष नहीं हो सकता वह पत्रकार नहीं हो सकता। पक्षपात करने वाले पत्रकार को उसके पाठक ही खारिज कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि पत्रकार समाचार में निजी राय न व्यक्त करें। चौथी बेसाखी है स्पष्टता। पत्रकारिता साहित्य से अलग होती है। क्या हो सकता है कि कोई समाचार लालित्यपूर्ण ढंग से लिखा गया हो। लालित्यपूर्ण क्या होता है, लालित्य होता है सुंदर ढंग से, अच्छे तरीके से, उसमें शब्दों की जादूगरी हो, लेकिन इसके कारण समाचार में अस्पष्टता का दोष नहीं आना चाहिए। समाचार से कोई भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए, उसे शीशे की तरह साफ होना चाहिए। इसके लिए अनिवार्य है कि समाचार में वाक्य छोटे और सीधे, हाँ, उनमें कोई उलझाव ना हो। यानी कि कौन कौन सी बेसाखी होगी समाचार की, पहली होगी सच्चाई, दूसरी होगी संतुलन, जो तीसरी होगी निष्पक्षता और चौथी होगी स्पष्टता। अब अगला पेज निकाल लीजिएगा। ये दो पंक्तियां संतुलन से ही है,
संतुलन का सिद्धांत अनेक सार्वजनिक मसलों पर व्यक्त किए जाने वाले विचारों और दृष्टिकोणों पर तकनीकी ढंग से लागू नहीं किया जाना चाहिए। स्रोत, स्रोत के बारे में जानिए क्या है। हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत होना आवश्यक है। यहाँ स्रोत के संदर्भ में सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी भी समाचार संगठन के स्रोत होते हैं और फिर उस समाचार संगठन का पत्रकार जब सूचना एकत्रित करता है तो उसके अपने भी स्रोत होते हैं। इस तरह किसी दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई, भाषा, यूएनआई, यूनिवार्ता जैसी समाचार एजेंसियां और स्वयं अपने ही संवाददाता रिपोर्टरों तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। लेकिन चाहे समाचार एजेंसी हो या समाचार पत्र, इनमें काम करने वाले पत्रकार के भी अपने समाचार स्रोत होते हैं। यहाँ हम एक पत्रकार के समाचारों के स्रोतों की चर्चा करेंगे। समाचार की सार को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो और वह स्रोत इस तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो और समर्थ हो। कुछ जानकारी बहुत सामान्य होती है जिनके स्रोत का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई सूचना सामान्य होने के दायरे से बाहर निकल कर विशिष्ट होती है उसके स्रोत का उल्लेख आवश्यक हो जाता है कि स्रोत के बिना उसकी साख नहीं होगी। एक समाचार में समाहित सूचनाओं का स्रोत होना आवश्यक है और जिस सूचना का कोई स्रोत नहीं है उसका स्रोत या तो पत्रकार स्वयं है या फिर एक सामान्य जानकारी है जिसका स्रोत देने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य स्रोत से अभिप्राय कि उस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी एजेंसी इनके न्यूज चैनलों के एक जैसे ये पीटीआई है या यूएनआई है ये न्यूज एजेंसियां होती है। ये क्या करती है ये न्यूज एजेंसियां ये अपनी अपनी ब्रांचेज बना लेते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। तो ये न्यूज एजेंसी का काम क्या होता है, ये न्यूज एजेंसी का काम भी पत्रकारों की भांति होता है। ये देश विदेशों की खबरों को अपने देशों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे पीटीआई है, पीटीआई एजेंसी, ये पीटीआई के तहत कई बार बोलते नहीं है कि भारतीय सेना को खुफिया एजेंसी के माध्यम से या पीटीआई एजेंसी के माध्यम से ये खबर आई है कि दिल्ली में अभी अगले महीने में बम ब्लास्ट किया जाएगा, दिल्ली के एयरपोर्ट पालम में बम ब्लास्ट होगा। इस तरह की खबरें सुनने को आई है, ठीक है। जिनका काम होता है जो सीक्रेट बातें होती है उन सीक्रेट बातों को अपने देश की गवर्नमेंट यानी कि अपने देश की सरकार तक पहुंचाना, ये काम होता है स्रोत का। यानी कि ये जो स्रोत से अभिप्राय है जो इनकी एजेंसी होती है पीटीआई या यूएनआई है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लीजिए इसी में से। आमतौर पर पत्रकार स्वयं किसी सूचना का प्रारंभिक स्रोत नहीं होता, वह किसी घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं होता, वह घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंचता है। यानी कि जो पत्रकार होता है ना वो क्या करता है, ज्यादातर तो जब घटना घटित होती है ना उस घटना जिधर भी जिस भी जगह घटना घटित हुई है वहां पर मौजूद नहीं मिलता। वो कब आएगा, जब घटना घटित हो चुकी होती है उसके बाद जब उसे ये खबर मिलती है कि उस जगह पे ये घटना घटित हुई है तब वो पत्रकार उस जगह पर पहुंचता है। इसलिए यह सब कैसे हुआ यह जानने के लिए उसे दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर एक पत्रकार से अपनी आंखों से पुलिस फायरिंग में या किसी अन्य किसी भी तरह की हिंसा में मरने वाले 10 लोगों के शव देखता है तो निश्चय ही वह कुछ 10 लोगों के मरने के समाचार का स्रोत हो सकता है, लेकिन उसे इसकी पुष्टि करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अब करंट का एग्जांपल बताऊं मैं, मीडिया को यह तो पता था कि वही पीपली में किसान रैली होगी, लेकिन मीडिया को यह नहीं पता था कि वहां पर लाठीचार्ज भी हो जाएगा किसानों के ऊपर। अब ये जैसे जैसे
के एक आध मीडिया वाले पहुंच गए वहां पे, जब जैसे किसान भाई एकत्रित हुए, लेकिन जैसे ही लाठीचार्ज होना शुरू हुआ और वो जो एक आध मीडिया वाले थे वहां पर मौजूद, तो क्या हुआ, जैसे लाठीचार्ज हुआ उन्होंने ये घटना आगे लाइव टेलीकास्ट के रूप में दिखानी शुरू की। अन्य मीडिया कर्मी भी, अन्य जो न्यूज चैनल वाले या न्यूज पेपर वाले वो भी वहां पर तुरंत पहुंच गए। तो इस तरह से घटनाएं घटित होती रहती है। आगे पत्रकारिता के अन्य आयाम कौन कौन से हो सकते हैं। समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक समाचार में से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। कुछ घटनाओं के मामले में उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे उसका जीवन दया समाज किस तरह प्रभावित होगा। समय विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में कहीं आयाम जोड़ता है। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, टिप्पणी का अर्थ होता है नोटिंग, लिखना, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से है। समाचार में इनका विशेष स्थान और महत्व होता है। इनके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कह सकता। संपादकीय क्या होते हैं, अब ये देख लीजिएगा, इसमें बता दिया गया संपादकीय। अन्य आयाम कौन कौन से हो सकते हैं, संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून और ये कार्टोग्राफ। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे, संपादकीय पृष्ठ को, संपादकीय पृष्ठ पता है कौन सा होता है, पेज नंबर 4। उसे हर एक न्यूज पेपर में पेज नंबर 4 जो होता है वो संपादकीय पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। उसपे 3 या 4 खबरों के विषय में जो अहम खबरें होती है उनके संदर्भ में सरकार क्या कर रही है, देश विदेश की क्या राय है, आम जनता की क्या राय है और संपादक की उसमें क्या राय है, वो पूरा का पूरा मूल्यांकन, पूरा का पूरा निचोड़ मिलता है इस पेज पे। चलिए, संपादकीय पृष्ठ को समाचार, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटना और समाचारों पर अपनी राय रखता है, ये बात मैंने आपको बताई दी। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये लाइन अंडरलाइन करते जाना। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है, समाचार पत्र उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे तो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिख कर नहीं कही जा सकती वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणी का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविजन की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्र और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और पड़ा। पहले क्या होता था, जब भी फिल्में आती थी तो उस टाइम में सिर्फ फोटो फोटो दिखाया जाता था, आवाज नहीं होती थी, लोग अंदाजा लगा लेते थे फोटो से। कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी न्यूज है उस, अगर वो न्यूज विद फोटो को होगी तो वो बड़ी जबरदस्त न्यूज मानी जाती है, अगर विदाउट फोटो के है तो इस तरह से उसमें लोग बहुत ही कम, आम जनता उसमें बहुत ही कम रुचि लेती है। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा, बाकी बाद में करेंगे, यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, चलिए।